गिरमादा, मेरी सारी काली शक्तियां तुम्हारी है। कुदरत के सारे विकट रूप अब तुम्हारे इशारों पर नाचेंगे। जाओ गिरमादा। आगे बढ़ो, सर्वनाश करके रख दो भीम और उसके प्रिय ढोलकपुर का। बढ़ो आगे। अकेले अकेले किस बात पर हंस रहे हो काना? अरे कुछ नहीं, मैं जानती हूँ कि खाने में तुम्हारा सबसे पसंदीदा मक्खन है। यही रुको, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा लेकर आती हूँ। अनर्थ हो गया, हमारे सीमा रक्षा गुट पर हमला हुआ है। हैं? अगर ये आक्रमण अचानक किया किसने? किरमाणा ने। किरमाणा, तुम्हें पूरा यकीन है? वो सिर्फ लौटा ही नहीं है महाराज, इस बार उसके पास असंख्य शैतान है। भूलिए मत कि माणिक देश पोर सिंघा और जाम नगरी के निवासी बेहतरीन योद्धा है। आप अन्य राज्यों के साथ मिलकर रणनीति तैयार कीजिए। भीम और मैं सेना एकत्रित करते हैं। मैं किरमाणा की राक्षसी आज को ढोलकपुर पर पड़ने नहीं दूंगा महाराज। मैं भीम का सारथी बनूंगा महाराज। बहुत खूब काना, बहुत खूब। ढोलकपुर वासियों, अन्य देशवासियों, किरमाणा हमारे लिए ही नहीं बल्कि सारी सृष्टि के लिए खतरा है। क्या हम इस मौके को गवा दे? क्या हम उसको जीतने दे? तो छुड़ा दो उसके और उसकी सेना के छक्के। थोड़ा सा कद बढ़ा है मगर मेरे जितना नहीं। याद रहे किरमाणा कि विशालता को भी वीरता धराशायी कर सकती है। तुम भले ही बड़े हो। क्या वो ये रोक पाएगा? आक्रमण, टूट पड़ो। जब तक किरमाणा जीवित है
वो अपनी काली शक्ति से अपनी सेना की गिनती बरकरार रखेगा। उसके अंत से ही सेना पर जीत पाई जा सकती है। हमारे सारे सैनिक पूरे दम से लड़ रहे हैं, मगर शायद अभी वक्त आ गया है कि मैं किरमाड़ा से द्वंद्व युद्ध करूं। किरमाड़ा 3 बार हार कर भी वापस आया, तुम क्या 1 बार गिर कर भी वापस उठकर लड़ोगे नहीं? मेरी कही बात याद है ना, साहस कभी ना हारना, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर सच्ची लगन और जीत की क्षमता हो तो भगवान और कुदरत दोनों ही तुम्हें हर चुनौती का सामना करने में मदद करेंगे। किरमाड़ा देखो इस तरफ। कुछ भी नामुमकिन नहीं किरमाड़ा, बस विश्वास रखना जरूरी है। विश्वास? छोटा भीम का साथ निभाए, रूप बदल कर काना आए।